ईमानदारी सर्वोच्च नीति है। एक राहुल नाम का व्यक्ति था, स्वभाव से बहुत ही गंभीर था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं थी। दिन रात वो काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। राहुल एक ईमानदार मनुष्य भी था, इसलिए भी उसे काम मिलने में मुश्किलें आ रही थी। दिन इतने खराब हो चुके थे कि उसे मजदूरी करनी पड़ी। रोजी रोटी के लिए उसके पास अब कोई भी विकल्प नहीं था। राहुल पढ़ा लिखा था, जो उसके व्यवहार में जाहिर साफ होता था। एक दिन एक सेठ के घर राहुल मजदूरी कर रहा था। सेठ का ध्यान राहुल के ऊपर ही था। सेठ को समझ आ रहा था कि राहुल एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, लेकिन परिस्थितिवश उसे ऐसे मजदूरी काम करने पड़ रहे हैं। सेठ को अपने एक विशेष काम के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। उसने राहुल की परीक्षा लेने की सोची। उसने एक दिन राहुल को अपने पास बुलाया और उसे 50,000 रुपये दे दिए, जिसमें 100-100 के नोट थे, और कहा, भाई तुम ईमानदार लगते हो, ये पैसे मेरे एक व्यापारी को दे आओ। राहुल ने ईमानदारी से पैसे पहुंचा दिए। दूसरे दिन व्यापारी ने राहुल को फिर से पैसे दिए। इस बार उसने राहुल को बिन गिने पैसे दिए, कहा, खुद ही गिन लो और व्यापारी को दे आओ। राहुल ने ईमानदारी से काम किया। सेठ पहले से ही गल्ले में पैसे गिनकर रखता था, पर वो राहुल की ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था। रोज वो सेठ उसे पैसे देने भेजता था। राहुल की माली हालत बहुत ख़राब थी। एक दिन उसकी नीयत डोल गई और उसने 100 रुपये चुरा लिए, जिसका पता सेठ को लग गया, पर सेठ ने कुछ नहीं कहा। फिर से राहुल को रुपये देने भेजा। सेठ के कुछ न कहने पर राहुल की हिम्मत और भी बढ़ गई। उसने रोजाना चोरी शुरू कर दिया। सेठ को उम्मीद थी कि राहुल उससे सच बोलेगा, लेकिन राहुल ने नहीं बोला। एक दिन सेठ ने राहुल को काम से निकाल दिया। वास्तव में सेठ अपने जीवन का एक सहारा ढूंढ रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। राहुल को भोला भाला जानकर उसने उसकी परीक्षा लेने की सोची थी। अगर राहुल सच बोलता तो सेठ उसे अपनी दुकान सौंप देता। जब राहुल को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने स्वीकारा कि कैसे भी परिस्थिति हो, ईमानदारी ही सर्वोच्च नीति होती है। दोस्तों, कैसा भी मुकाम आए, व्यक्ति को ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी जीवन की वो कमाई है जो मुश्किल है लेकिन कभी गलत अंत नहीं होने देती।